ये देखें सारी चीज़ें सेट है, उसका सामान पैक हो चुका है। देखें मेरा दिल उदास हो रहा है, क्यों जा रही हो नादिया? को पानी दिया ना वहाँ पे, मुझे पता नहीं कोई चीज़ लड़ी है मेरे जिस्म पे, मच्छर। आज ही मदर्स डे है और अचानक से हम लोग सरप्राइज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे YouTube फैमिली और सब बहन भाई, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो आज जो है मौसम जो है ना बहुत गर्म है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते पार्क में आ गई हूँ, जहाँ पर बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह किस तरह की रौनकें हैं। गर्मी ज़ोरों पर हो गई है, दर्जा हरारत भी आज काफ़ी ज़्यादा है, और लोग जो हैं जोकदार जोक पार्कों का रुख कर रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और ख़वातीन भी आ रही हैं। काफ़ी ख़वातीन हैं जिधर बेंचेस पे बैठी हुई हैं, और कुछ ख़वातीन जो है ना वो वॉक कर रही हैं, तो मैं भी बेंच पे आके बैठ गई हूँ इधर। और अभी थोड़ा सा बादल शादल बन रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बारिशें होंगी। अभी तो जो उधर महकमा मौसमियात वालों ने भी कहा है कि गर्मी ही है अभी 2-4-5-10 दिन तक, अभी मेरे ख्याल बारिश का कोई अमकान नहीं है। वॉक करना बड़ी अच्छी बात है जी, वॉक करनी चाहिए, वॉक से हज़ारों बीमारियों का हल हो जाता है। आपको डिप्रेशन नहीं होता, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता, शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है, तो वॉक तो ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरा बेटा इस्लामाबाद गया हुआ था, माशाल्लाह उसकी जॉब वहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो वीकेंड पर वो भी आया हुआ है। कल का फ्राइडे को वो बिल्कुल ऑफिस से निकल आया था सीधा ही, तो उसने मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे नहीं पता था। मैंने अपने बेटे से कहा, मैं इनका बेटा वीकेंड है और मैं उदास भी हो चुकी हूँ, तो आप आ जाओ। तो कहने लगा मामा क्या आना ज़रूरी है, अभी एक हफ्ता तो हुआ मुझे आए हुए। मैंने कहा नहीं आप आ जाओ, मैं बहुत उदास हूँ। तो फिर मुझे पता चला यकदम मेरा बेटा गेट पर आ गया, उसने मुझे सरप्राइज़ दिया, तो बड़ी खुशी हुई मुझे, और मेरी तबीयत भी ठीक होगी, क्योंकि कल तो मैं इतनी उदास हो गई क्योंकि कभी बेटा मुझसे जुदा ही नहीं हुआ था। तो फिर आज मैंने कहा कुक से कहा, मैंने कहा बड़ा अच्छा खाना बनाओ, बेटा आया हुआ है और दस्तरखान जो है ना अभी खाने से फुल कर दो, खाने छाने डिशें अच्छी बनाओ। अभी थोड़ी देर बैठूंगी फिर चली जाऊंगी, नमाज़ का टाइम हो रहा है और नमाज़ पढ़ने चली जाऊंगी मगरब का। लेकिन यहाँ पे हवा चली हुई है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हवा चली हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, देखिए माहौल कितना अच्छा बना हुआ है पार्कों का। चहलकदमी, झूले झूले जा रहे हैं, ये देख रहे हैं बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे ना। 2-3 हमारे वो दरस बने हुए हैं बच्चों के ना, तो वो दरस से भी बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो भी आ जाते हैं। फिर इधर यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल बहुत है, हमारे जो सोसाइटी है ना इसमें तकरीबन हर घर ने हॉस्टल बना दिया हुआ है, और यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं यहाँ पर नज़दीक नज़दीक उनके भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर दरस के बच्चे आ जाते हैं, फिर साथ इधर एक गाँव भी है उनसे भी बच्चे काफ़ी आ जाते हैं। तो सब माहौल बड़ा अच्छा बना होता है, ख़वातीन भी वॉक कर रही होती हैं। अब मैं जाने लगी हूँ घर, क्योंकि माली भी आया हुआ है, मैंने कहा खड़े होकर क्यों ना माली से काम करवा लूँ। हमारे महल्ले में बिल्लियाँ बड़ी फिरती रहती हैं गाहे बगाहे, ये ही हमारे घर रहती है। हमारे घर जो बिल्ली है ना ये उसका ना बाप है, ये उसका बाप है हमारी बिल्ली का, ये वाली जो है ना देखिए कैसे करतब दिखा रही है। माऊ ये हमारे घर की तरफ जा रही है, अब हमारी बिल्ली को। अब आपको मैं अपनी भिंडी भी दिखाऊं, भिंडी लगी हुई है, मेरे ख्याल तोड़ी नहीं है इन्होंने, हाँ भिंडी लग चुकी है, ये देखें ये भिंडी लग चुकी है, ये देखें ये भिंडी है, सारी पौधों को भिंडी लग चुकी है और भिंडी तोड़ने वाली है, आगे भी बड़ी हो रही है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सीन है हमारे घर का। मौसम धुंधला धुंधला सा हुआ हुआ है और चिड़ियाँ बड़ी आ रही माशाल्लाह, मैंने सुबह सुबह बाजरा रखा है, नालैन मुबारक भी लगा हुआ है हमारे घर के ऊपर। दूसरी वाली भिंडी जो बाद में लगाई है वो भी सार निकाल रही है, हो रही है, और माशाल्लाह ये वाली जो भिंडी है ना हमारी, ये तो हम तकरीबन हर दूसरे दिन तकरीबन तोड़ते हैं, और तकरीबन आधा किलो और 3 पाव होता है। अब मैं जाने लगी हूँ गेट के अंदर और देने लगी हूँ बैल, मेरे ख्याल माली भाग गई है।
उसने पानी शानी नहीं लगाया, माली के जिम्मे लगाया था कि पानी लगा और वो भाग गया। मैं सबको धो देती हूँ सही तरह से, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है हमारे माशाल्लाह। ये जो पौधा है ना जी, ये पाम है, ये तकरीबन इसकी एज हो चुकी है 18 साल, 18 साल का ये हो चुका है ये वाला, और ये बड़ा महंगा पौधा है। अगर हम इसको ख़रीदने जाएँ ना, इसका नीचे बच्चा भी निकल चुका है, वो देखें नीचे बच्चा भी है, 2 बच्चे निकल चुके हैं, उनके 3 बच्चे बल्कि निकल चुके हैं, 3 से भी 4 बच्चे निकल चुके हैं। ये देख रहे हैं आप इसके प्रो, 1, 2, 3 और 1, 4 बच्चे इसके निकल चुके हैं। इनको भी हम अलहदा करके ना लगा देंगे। माशाल्लाह सारे गार्डन को पानी दे दिया, बड़ा खूबसूरत हो गया जी। मोटर भी चल रही है, वो हमने बोर लगाया हुआ है सरकारी पानी के अलावा, वो हम मोटर चलाते हैं तो फिर जाके हमारे गार्डन को पानी आता है। यहाँ पे दिल कर रहा है कि कुर्सियाँ और चारपाइयाँ डाल लें और पंखा लगा के बैठ जाएँ, इतनी गर्मी है। और पानी लगाने से सारा फर्श भी ख़राब हो गया, बच्चा वेपर लगा रहा है, सर्वेंट हमारे जो है ना हेल्पर उनका बच्चा है। एंटर होते हैं टीवी लाउंज में, और ये डाइनिंग टेबल तो सेट कर लो, ये सारा नाजिया ने ख़राब किया है। उससे मैंने कहा कि पुलाव था मुर्गा, अच्छा ये जी हम बना रहे हैं आलू गोश्त, माशाल्लाह बहुत। वो खांसी हो गई है आपको, अच्छा भून के बनाना जी। हमने मुर्गी बनाई है, मंगवाई है, इसका हम पुलाव बनाएंगे। पतीला निकल चुका है और इस वक्त धनिया शनिया काटा जा रहा है, हलीमा काट रही है। आज फ्रिज की भी हमने सफाई किट, मसाले टमाटर शमाटर भी काटे गए हैं आज। फ्रिज माशाल्लाह हमने बड़ा अच्छा साफ किया, ये देखो बर्फ़ शर्फ सारी निकल गई है और ये चीज़ें हमने रख दी हैं। नीचे भी हमने बहुत अच्छा सेट कर दिया, ये देखें सारी चीज़ें सेट की हमने, सेट करके रखी हैं। अच्छा बाहर ना भिंडी हुई खड़ी है, भिंडी तोड़ लो नहीं तो कल तक वो पक जाएगी। किचन भी आज साफ सुथरी रखी हुई है, बड़ी है साफ सुथरी। ये दूध क्यों निकाला है बाहर? अच्छा अच्छा इसको उबालना है, ठीक है। ये मेरी बहू आई हैं, उनके गांव से दूध आता है तो वो अपनी पीने के लिए दूध लेके आई हैं। हाँ जी टेबल खाली कर दिया गया है, खाना बस अभी लगने वाला है, अली का इंतज़ार हो रहा है तो वो आए तो खाना लगाएं। चटनी भी बना ली गई है, चटनी है बिच क्यों छतौरी के बिच दही पाए बैठे ने जी, ये थानू कहने क्या दौरी के बिच दही पाए करो, ये दौरी के बिच दही नहीं पाए करो, चटनी काट दे दही च पाया करो। ये क्या बनाया है? रायता, रायते में डालने के लिए आंटी, ये कचुंबर। अच्छा कचुंबर सलाद बना रही है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो तो वो क्या चीज है फ्यूजी, वो कस्टर्ड है? कस्टर्ड तो नहीं है वो, का नहीं है आंटी, ये जौ का दही है। हां ये क्यों निकाला हुआ है? शामी कबाब के लिए भी निकाला हुआ है। नहीं दिया है, हुन एक मिनट दही के बीच चटनी काट के पाई करो, दौरी के बीच दही ना पाया करो। अच्छा सब अजमरच के बीच के दे। बेटी की फ्रेंड आई हुई थी, एक हफ्ते से तकरीबन रह रही थी, आज वो जा रही है, उसका सामान पैक हो चुका है। देखिए मेरा दिल उदास हो रहा है, क्यों जा रही हो नादिया? अच्छा नहीं यार हमारा दिल उदास हो जाएगा ना जाओ। ये आप देख रहे हैं मैंने जब गार्डन को पानी दिया ना, वहाँ पे मुझे पता नहीं कोई चीज़ लड़ी है मेरे जिस्म पे, मच्छर टाइप कोई चीज़ थी या पता नहीं, कोई बड़ी जहरीली थी उससे। ये देखो मेरे मुंह पे भी दाने बन गए हैं, ये भी दाने बन गए हैं, ये देखो और इधर भी दाना बन गया है, और मेरे जिस्म पे ख़ारिश इतनी हो रही है, ये देखो ये भी मेरे बन गए हैं, ये देखो ये भी बन गए हैं, और मेरे हाथों पे और पूरे जिस्म पे ये देखो दरफ टाइप बन गए हैं सारे, और इतनी ख़ारिश हो रही है, इतनी ख़ारिश हो रही है बदन पे कि मैं कह रही हूँ कि अब मैं एलर्जी का कोई इंजेक्शन लगवा लूँ या कि मैं कोई मेडिसिन खा लूँ। काजल भी सारा बह गया है मेरा, ओहो किचन में गई हूँ ना तो गर्मी से सारा काजल भी बह गया। चलो खैर कोई बात नहीं, आज ही मदर्स डे है और अचानक से हम लोग सरप्राइज़ दे रहे हैं, और अब ये केक काटेंगे। अली लेकर आए हैं केक अपनी मदर के लिए। कैसा लग रहा है आपको? जी मेरी बहू और मेरा बेटा जो स्पेशल बाहर गए हैं। ये बहू जी खड़ी हुई है उन्होंने मेरे लिए स्पेशल, मैं तो वैसे बहुत नमाज इशा की पढ़ के ढीली डाली होके लेटी हुई थी कि अब सोना है, यकदम जब मेरा बेटा अंदर आया तो बच्चों की आदत का मन को पता होता है ना, तो जब मेरा बेटा अंदर एंटर हुआ तो मुझे मालूम हो गया
मेरा बेटा जो है ना कुछ धमाका करने वाला, कुछ टैंक और गोला शोला ले आया है, तो ज़रूर इसने कोई धमाका करना है, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना इस मौके पे स्पेशल ही मेरा ख्याल रखता है। हालांकि बेटियों को रखना चाहिए, बेटी तो रखती रखती हैं, लेकिन मेरा बेटा उससे ज़्यादा केयरिंग है। कोई ईद हो तो मेरे लिए स्पेशल चूड़ियों के एहतमाम करेगा और मेहंदी का एहतमाम करेगा, और फिर उसके लिए बड़ा स्पेशल, बीमार हो तो मेरी तीमारदारी में बड़ा केयरफुल मेरा बेटा है। एक होता है लव करने वाली औलाद और एक होती है केयर करने वाली। लव तो हर बच्चा ही करता अपनी माँ के साथ, लेकिन कुछ बच्चे केयरिंग होते हैं, जो कि मेरा बेटा बहुत ही केयरिंग है। तो आपको जो है मैं दुआ देती हूँ और दुआएं देती हूँ दिन रात आपके लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, क्योंकि अब जो मेरे हैं ना तीन बच्चे, बल्कि दामाद भी हैं, चार बच्चे हो गए हैं, इनके लिए मेरी स्पेशल दुआएं हैं। मैं अपने दामाद और बहू के लिए भी मदर हूँ और अपने दो बच्चों के लिए भी मदर हूँ। और स्पेशल मेरा जो पैगाम है मदर डे पर औलाद के लिए, कि माँ जो होती है ना उसके कदमों में अल्लाह ताला ने जन्नत क्यों बनाई है। वाकई ही वो जन्नत ही है जो 9 महीने अपने पेट में रखती है और हर दुख सुख सहती है। और मैं उन औलादों को ताकीद करूंगी और साथ नसीहत भी करूंगी कि अपने माँ और बाप का स्पेशल ख्याल रखें, क्योंकि जब ये चले जाते हैं ना तो फिर बहुत याद आते हैं, फिर लौट के नहीं आते। और जिनके चले गए ना, मैं अपनी माँ को मिस कर रही हूँ, और जिनके चले गए ना उनको पता है कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप को बहुत टाइम दो, बहुत टाइम दो, बहुत टाइम दो, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलते। तो मेरे जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए मेरा स्पेशल पैगाम है, क्योंकि जो हमारी एज को आ गए हैं लोग, वो तो इस टाइम को देख चुके हैं, नसीबें भी मिल चुकी हैं, हमारे माँ बाप चले भी गए हैं, लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनको सलामत रखे अपने औलादों के सर पे। और माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना, मेरे बेटे के लिए भी बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, और अल्लाह ताला जल्द जल्द मेरी बेटी को भी माँ बनाए और मेरे बेटे को भी बाप बनाए, और इनमें भी एक जज्बा आए कि मदर डे और फादर डे कैसे मनाए जाते जब इनके औलाद मनाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने बेटे का, अपनी बेटी का और बहू का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरे लिए किया। हमने जी केक कटिंग कर ली है क्योंकि यहाँ पे फैमिली मौजूद थी, तो हम वो पूरा हम दिखा नहीं सकते थे, एज यू नो कि यहाँ फेस नहीं शो करते। तो अभी है जी केक बांटा जा रहा है और उसके बाद देखें हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होता है।